हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। जैसे तैसे रात तो हमारी कट गई, मगर दिन मैं इसको लेकर के गया था ड्रॉप करने के लिए। मैंने वहाँ भी बोला, मैंने कहा अगर कोई इशू हो तो मैं आ सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऑफ ले लेना। वो तो इसके जो स्टाफ है वो इतना सपोर्टिंग स्टाफ है ना, जो इसके सीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने कह दिया आप लीव भी ले सकते हैं। बट ये है ना कि यार हम डेली डेली लीव नहीं ले सकते। अभी जस्ट मैं बैठा ही था तो इसका कॉल आया मेरे पास। देखो बेचारी कैसे दर्द से तड़प रही है ये इधर उधर, क्योंकि इसका ना बार बार बीपी फ्लक्चुएट हो जाता है। आज तो इसने कुछ खाया भी नहीं है इसी डर की वजह से। कैसा फील हो रहा है? अपने चक्कर चक्कर आ रहे तो बैठ जाना बेटा। नहीं, मेरे को अजीब सी बेचैनी हो रही है इसलिए मैं घूम रही हूँ। कैसा अजीब सी बेचैनी हो रही है? कैसे बताऊँ, फिर भी कुछ पेन वगैरह? यार एक तो ऐसा है ना कि इस चीज़ में ना डिफाइन नहीं कर सकते किसी को भी, और सामने वाले को डिफाइन कर भी दो ना तो वो भी उसे नहीं पता कि किस तरीके का फील हो रहा है। क्योंकि ये खुद ही कह रही है कि मैं बता नहीं पा रही। बस यार मेरे को तो उसको देख देख के आती है किसी तरह, और अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मतलब थोड़े से टाइम और बढ़ेगा तब उसको इशूज़ बढ़ेंगे, तो ये कैसे मैनेज करेगी। बस मुझे इसी चीज़ की टेंशन होती है। बाकी मम्मी वगैरह भी आई थी, तो मम्मी वगैरह ने दवाई वगैरह का पूछा और दी जो भी है, तो वो भी यही कह रही है कि मतलब थोड़ा सा देख के अपना, अगर थोड़ा बॉडी साथ देती है तो ठीक है, वरना जोर जबरदस्ती कुछ नहीं है। लीव लो, अपना आराम से रेस्ट करो। अब ये परेशान घूम रही है इस वजह से। मैं इसको कह रहा हूँ खाना खा ले, खाना भी नहीं खा रही। खा ले बेटा थोड़ा सा तो खा ले। क्या मैंने खा लिया। खाया? मैंने आलू मटर की सब्जी रोटी, आलू मटर की सब्जी रोटी। सॉल्ट कैसा था? ना के बराबर। चलो वैसे कब, कितनी देर पहले खाई थी? एक बजे 1 बजे खाई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा ना एक काम कर, बीच में ना ग्लूकोज लेती रह, हर 2 घंटे बाद मतलब कुछ ना कुछ खा, और पानी पीती रह, क्योंकि वॉशरूम जाएगी पानी पिएगी तो बीपी सही रहेगा। रेस्ट कर ले लेट के, लेट जा। थोड़ी देर में देखता हूँ इसका होता है तो, वरना फिर इसको मेरे को हॉस्पिटल दोबारा से लेके जाना पड़ेगा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक ही रहे, क्योंकि बीपी इतना बढ़ना ठीक नहीं है। लेकिन अभी इतना नहीं था, बट था, क्योंकि इसको ना शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज वो होता है, क्योंकि शिवरिंग और जब चक्कर आते हैं ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब ठीक है। हो तबीयत गया प्रॉपर यार, रेस्ट? हैं मैं तो भूख लग गया। तो ये खाओ ना बेटा, फ्रूट्स रखे तुम्हारे लिए। तो सुनो चाचा चाची, आपके लिए रैपिड क्वेश्चन है, ठीक है? कुछ चीजों का आंसर देना है आपको, तब बताना है। हाथी को फ्रिज में कैसे डालेंगे? हाथी को फ्रिज में? मैं बताऊं कैसे डालेंगे? गाइस को बताना चाहिए तुम क्योंकि बताना गुड आइडिया। गाइस कैसे डालेंगे हाथी को फ्रिज में? रेफ्रिजरेटर। तो हाथी को देंगे फ्रिज बड़ा कर देंगे। ना? जितना बड़ा हाथी होता है उतना बड़ा फ्रिज हो जाएगा क्या? और क्या हो ही नहीं सकता है दुनिया में। दिखाऊंगा, बताना बाद में से बताना कितने बड़े बड़े फ्रिज बेटे होते हैं। मैं सो नहीं जाता था रॉन्ग फ्रिज में। रॉन्ग आंसर है ये। तू चल तू बता। पास हाँ पास चाची, पास। पास फ्रिज को खोलो और एक बात बताओ, मैंने ये थोड़ा कही थी कि रियल का हाथी तो आएगा, कभी तो हाथी होता है उसको फ्रिज में डाल दो। कुछ भी बनाया जा आप रही बताओ, है। जिराफ को फ्रिज में कैसे डालेंगे? जिराफ भी नकली कर आएंगे। हाँ? जिराफ भी नकली कर आएंगे। गलत, पूरा आधे बोला। क्यों? फ्रिज को खोलो, जिराफ को फ्रिज को खोलो, हाथी को बाहर निकालो और जिराफ को फिर अंदर डालो। नहीं दोनों छोटे छोटे, दोनों एक साथ आ जाएंगे। लेकिन हमको तो सिर्फ जिराफ की बात किया ना। हमारा बाबू ना तेरे को ऐसे कूटे करेगा, कहेगा एक तो ये दिमाग से पैदल है, ऊपर से खींच कर लेती है। अच्छा बताओ, शेर ने एक पार्टी रखी, हाँ उसमें सारे एनिमल आए थे, एक नहीं आया था कौन? चूहा। फिर गलत। कौन नहीं आया? तेरी चाची। जिराफ तो फ्रिज में था, जिराफ कैसे आएगा? तो हाथी भी तो फ्रिज में था। हाँ तो लेकिन तो हाथी को तो बाहर निकाल दिया था। सीख लो, तुम्हारे काम आएंगे क्वेश्चन। जब अभी चाची होके पूछे, फिर बाद में मम्मी होके पूछे जाएंगे, मम्मी मम्मी हाथी फ्रिज में कैसे जाएगा? हाथी फ्रिज में इसलिए जाएगा क्योंकि तुम्हारा बाप को मेरे के मार जाएगा। वो देखेगा ये व्लॉग। हाँ वो सारे ब्लॉग्स देखेगा। हम उसको बचपन से ब्लॉग्स देखना सिखाएंगे ना, तेरी तरह कार्टून नहीं। मैं कार्टून तू देखती देख, तू तू वो देखती थी, वो वट पतलू, अरे कौन सा आता है वो, भीम भीम करके, छोटा भीम। छोटा भीम। मेरा सबसे फेवरेट कार्टून है मैं भी
रुद्रा मेरे को सबसे ज्यादा रुद्रा पसंद है। रुद्रा छोटा भीम देख देख के तेरी शक्ल छोटा भीम से मिलने लग गई है। ये वकील साहब, वकील साहब रो रहे हैं, पता है तुम्हें क्यों? आज वकील साहब के लिए एक झूले का पार्टनर नहीं है, इधर झूला झूलने की जिद चढ़ रही है। बताओ अकेले झूले झूलने में सच में मजा नहीं आता है ना? नहीं, मैं तो चली जाती। तो क्यों नहीं गई? अच्छा रुचि, एसी चल रहा है, अंदर आ जा। कहाँ झूला झूलने? झूला झूलने हाथ ही फ्रिज में रखना है? तेरे पापा को फ्रिज में रखना है तो कैसे रखेंगे? मेरे पापा को मेरे पापा को फ्रिज में, फ्रिज खोलो पापा को, तो बहुत गर्मी लग रही है और बंद कर दो। हाँ सही कहा। नहीं मैं पापा डालूंगी। क्यों? वो मेरे पापा है तो कौन डालता है फ्रिज में? मैं तो गया हूँ फ्रिज में। हाँ तो आप जा। इसके पापा ने कुछ खाने के लिए बोला था कि इसकी मम्मी को बोला था कि जो सब्जी बन रही है ना उसमें ज्यादा ग्रेवी नहीं रखनी। भाई सुन नहीं रही? चाची का नाम आता है ब्लैकमेलिंग पे। चाची की बात सुनते बांधती है टीसा बस। इसे स्कूल भेजना कल, तुम्हारी तुम्हारी बात से स्कूल जाएगी है। रुक जाओ, दाल गंदा हो गया। बेटे कर ले ये मारेगा लात, दबा दबा के लात मारेगा। बेटा देख लात मारेगा दबा के, लात मारेगा। मैं तो यूं ही कहूँ, यहाँ से इसको पकड़ और ये बैठी है ले पेट में लात ही लात, घूसे ही घूसे, फिर तेरे तेरी जैसी शक्ल हो जाएगी उसकी भी। तबीयत सच में सही है ना? गोलगप्पे वगैरह खाने मंगाए हैं पापा ने, मतलब पैकेट ला रखा है और पानी मंगाया और आलू उबल रहे हैं खाने। चलो भी बेचता हूँ, सही भी है, बेच देते थोड़ा हाजम हो जाएगा। तो अभी 10:15 करीब खिलवा के लाऊंगा आइसक्रीम, ठीक है? तू अपनी ताल मत लगाइए, तुझे जुखाम है। इसको जुखाम है, ये रात को व्हाइट सॉस पास्ता मंगाया था मैंने, बता रहा था ना मैं, उसके लिए लड़ाई करी इसने मेरे से। वो तो शुक्र मानो कि था व्हाइट सॉस पास्ता तो मैंने उसको दे दिया, ये अपनी चीज दिखाती भी नहीं है। हाँ तो, खाया था इसने। हाँ तो टेस्टी था। हाँ तो तेरी की चीज सारी टेस्टी है, जो दूसरे सारी टेस्टी है। चल आज हमारे पिताजी को ना पुराना टाइम याद आ गया होगा। रुचि है 18-18 गोलगप्पे खाते थे। खाने की बात नहीं, सेल करने की, मतलब पापा गोलगप्पे वाले नहीं थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि पापा की एक शॉप हुआ करती थी कैटरिंग की, सन 2005 में। पापा ये सब रखते थे ना हम, है ना शाली? तू स्कूल से आके याद है तू भी अगर उसकी चाउमीन खाती थी? वो तो चाउमीन खाया हुआ बहुत टाइम हो गया यार। ऐसे मांगेगी ना सर, रेस्टोरेंट में शर्म आएगी। सुन मुझे, तुम कौन सा ग्रुप हो? पांडव रोड तीनों में पड़ी हूँ। तीनों में पड़ी हूँ लेकिन पड़ी किसी में नहीं हूँ। आज यहाँ तक ऐसे जब हमारी पहली बार दुकान खुली थी ना 7 नंबर पे, तो फर्स्ट डे इनॉग्रेशन के टाइम पे 1.5 लाख की सेल मंडे के टाइम पे। हाँ मतलब सन 2005 में 1.5 लाख का मतलब समझो कितने पैसे होते हैं। और सुन आधे से ज्यादा लोग ऐसे जिन्होंने फिर आगे बैठ गई, प्लेट और गिलास मंगवाया तो लाई नहीं। अरे बुआ मेरे पैर में दर्द हो रहा है, एक बार में नहीं बोल सकती तुम? गाइस एक मिनट, गाइस एक मिनट, गाइस ए चुप। डे में ढाबा चलाते थे, शाही पनीर, कड़ी, राजमा, चावल, जो फेमस शॉप थी ना वो भी रोने लग गए थे बाबूजी। बस कर लोगों से पापा ने। हाँ थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा क्या, मुझे अच्छे से याद है। मैं भी जाता था चाउमीन खाता था। कैसे चाउमीन खाता था कि चाउमीन बना दो, चाउमीन के अंदर से कुछ नहीं डालना, सिर्फ न वो डालना काली मिर्च का पाउडर बस, ना उस पर कोई सिरका ना कुछ ना ये। पापा आपने अपने होटल का मेन्यू तेज जल्दी जल्दी बोलना एक बार, क्या क्या था? चाउमीन थी, बर्गर था, वो सब्जी वाला सब्जी में, हाँ अपनी शॉप बंद कर लो, है ना? ये बंदा कौन आ गया जिसने हमारी दुकानें बंद करा दी? और वो आके कहता भाई तुम अपनी दुकानें बंद कर दो, हमारा काम तुमने सारा फेर दिया। मैंने कहा भाई देखो बात ये है, तुम्हारा अपनी जगह हमारा अपनी जगह, मतलब मेरा काम इतना मशहूर हो गया कि उसमें किसी भी प्रकार की
कोई वो नहीं थी, दिक्कत वगैरह नहीं थी। हाँ, और सारा बड़ी वाली बहन बनाती थी, उसकी शादी हो गई तो फिर हम अकेले पड़ गए और हमने कर दिया बंद। नहीं, 20 कारीगर थे उसके अंदर। हाँ तो मतलब यार सारे चले गए ना धीरे धीरे। गाइस एक मिनट बोल, आपके से एक बात याद आई है। बच्चे कहने लगे भाई आज मन करा के गोलगप्पे खाने, मैंने कहा चल भाई एक पैकेट में कितने होते हैं, 100 होते हैं दादू, तो मैं आज एक पैकेट लिए आया बच्चों के लिए दादू, और मैंने कहा भाई पेट भर भर के खाओ जिससे किसी किसी क्या हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, खुद के हाथ में लेके खाओ। पड़ोसी को बुला के उनको भी खिलावा दो। हाँ, आज एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसी स्कूल में मेरे बच्चे भी पढ़े। हाँ, ओए स्कूल की बात याद मत दिलाओ भाई, हुआ क्या, शुरू से पढ़ने में इतना बढ़िया नहीं था मैं बाद में ठीक हुआ, सीन याद आया इन्होंने याद दिलाई एकदम से भाई गुस्से में, मेरी 10th में एक में बैक आई, कोई बात नहीं, मैं शुरू से खराब था अपना भाई, पेपर पास कर लिया उसमें 82 नंबर, उसके बाद कह रहे स्कूल में एडमिशन कराना है, स्कूल में ले गए भाई, यूं कह रहे प्रिंसिपल साहब कौन है भाई, प्रिंसिपल साहब लेकर आ रहे डस्टबिन का डब्बा लाल बिल्डिंग वाले स्कूल का, कृष्ण नगर का, और टंकी की छत पे चढ़ गए, टंकी की छत पे चढ़ गए, कोट रख रखा वहां पे साइड में, प्रिंसिपल साहब का टंकी में जो घुस रहे प्रिंसिपल साहब ही है, जैसे तैसे करके पापा ने सीधे छूटते ही पता क्या कही, यहाँ से चल सब में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना, प्रिंसिपल ऐसा है डस्टबिन लेके चल रहा, मुझे क्या पढ़ाएगा यू, फिर 10 स्कूलों में जाने के बाद पे शीट पे हमने एनजीसी स्कूल में पढ़ाया। हाँ।